मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज आपने तीसरा बजट अपना पेश किया है, पिछले दो बजट की तुलना में इस बार क्या खास मानते हैं? बहुत सारे इसमें अंतर है। जहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना की व्यवस्था तो हमने की, लेकिन आप देखेंगे कि अब मछली पालन को भी कृषि के दर्जा हमने दिया है, लाख की खेती को भी कृषि का दर्जा हमने दिया है। वहीं सी मार्ट, हम जितने भी छत्तीसगढ़ में जो उत्पादन होते हैं, चाहे जंगल में हो, चाहे वन औषधि हो, चाहे लघु वन उपज के हो, चाहे हमारे कोसा के करने हो, चाहे मेटल में काम करने वाले लोग हों, वो सारे कलाकार हैं और जो कारीगर हैं उनके जो उत्पाद हैं, और उसके साथ साथ जो किसान, छत्तीसगढ़ में 23,000 प्रकार के धान होता है, और उसके साथ साथ विभिन्न रंग, काले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के छोटे चावल, खुशबूदार खुशबू चावल, वो सारी वैरायटी यहाँ है, और वो अलग अलग बेचते हैं। यदि उनको सबको एक छत में ला कर दें तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे पास कितना उत्पादन होता है ये जानकारी, कितने लोग चाहते हैं, हमारे यहाँ कोदो कुटकी का उत्पादन होता है, दुनिया में इसकी मांग है, लेकिन हम बेच नहीं पाते। यदि ये हम सप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो उत्पादक हैं, हमारे जो मिलर्स हैं, जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और तीसरी बात यह है, जो छत्तीसगढ़ के उत्पाद को जो खरीदना चाहते हैं उसको एक छत मिल जाएगा, एक ही जगह जाएगा सारे चीज़, चाहे कोसा कपड़ा करना है, बुनकर कोस्टा कपड़ा लेना है, चाहे यहाँ के जो शिल्प लौहकार हैं, यहाँ के चर्मकार हैं, यहाँ के हमारे जितने भी वैल्यू उत्पादन कर रहे हैं उसको एक जगह मिल जाएगा। तिखुर और कहीं नहीं मिलता, टाऊ यहाँ मिलता है। जितने चावल हैं, मोहन भोग, विष्णु भोग, तुलसी माला, कितने प्रकार की वैरायटियाँ हैं, जवां फूल, वो सब चीज़ें जब सी मार्ट में होगा तो उसको अपने प्रदेश में खोलेंगे, देश के और बड़े महानगरों में खोलेंगे, तो उसका लाभ उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये देखा गया है कि फ्लो आया है अर्थव्यवस्था में, गांव से पैसा निकल के शहरों में आ रहा है, और एक तरह से तेजी दिख रही, किसान भी खुश हैं। किसान इस बार जो है थोड़ा सा टकटकी लगाए थे बजट से कि पता नहीं वो 2500 रुपये वाले में बहुत सारा रंग आ रहा है। इस बार उन्होंने अनुभव किया कि बारदाना के नाम से तो कहीं पहले बोले 60 मीट्रिक टन लेंगे, फिर कम कर दिए, तो किसान से संकेत है कि सरकार खरीद पाई कि नहीं खरीद पाए टाइप के, क्या कहेंगे आप किसानों को? भारत सरकार लगातार रंग, चाहे बारदाने के मामले हो, चाहे 60 लाख मीट्रिक टन सहमति देने के बाद केवल 24 लाख मीट्रिक टन खरीदे, अभी भी वो अड़ंगा है, और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। अब चूंकि अब खाद्य मंत्री ने कह दिया, हाथ उठा दिया, मेरे हाथ में नहीं, निर्मला सीतारमण जी के पास भेजें, हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे और कहेंगे भाई छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में यह फैसला हमने लिया है। और जैसे आप 12,000 रुपये किसानों को दे रहे हैं, प्रति किसान दे रहे हैं, हम प्रति एकड़ दे रहे हैं, तो आपको इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इनपुट है छत्तीसगढ़ के किसानों की ज़रूरत है, उसके अर्थव्यवस्था के लिए, उसके परिवार के लिए बहुत ज़रूरत है, और इसको बहुत सोच समझ के हमने लागू किया है। छत्तीसगढ़ एक फसली राज्य है, धीरे धीरे कुछ किसान हैं वो दो फसल ले पा रहे हैं, लेकिन अन्यथा पूरे खेत आप देखिए सूखा है। तो ऐसी स्थिति में 4 महीने खेती के भरोसे पूरा परिवार पालना कितना कठिन काम होता है, और इसलिए इस योजना को हमने लागू किया है, और भारत सरकार इसमें अड़ंगा डाल रही है, हम समझाने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई कमी हमारे तरफ से, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं आने। इस समय भी 5,703 करोड़ रुपया की व्यवस्था हमने की है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उसी प्रकार गोधन न्याय योजना से भी हम लोगों के आय में वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो खेतिहर मजदूर हैं, जो भूमिहीन श्रमिक हैं, उसके लिए भी न्याय योजना हम ला रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि हाइट नाम दिया आपने, आपका प्रीएम्बल पढ़ रहा था, जो बजट आपने इस बार पेश किया, किस तरह से अर्थव्यवस्था को हाइट देंगे, खासतौर पे कोरोना काल में पिछले एक साल में पूरे देश में एक जो है वित्तीय निराशा का माहौल है, तो किस तरह से हाइट देंगे यहाँ की अर्थव्यवस्था? देखिए, जहाँ तक ये बात सही है कि राज्य के राजस्व में, चाहे भारत सरकार के राजस्व में बहुत कमी आई है, लेकिन लोगों के आय में कमी मत आए इसलिए हमने जहाँ मनरेगा को सबसे ज़्यादा काम हमने छत्तीसगढ़ में दिया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को के अर्थव्यवस्था को कमज़ोर नहीं होने दिया, उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा लघु उपज छत्तीसगढ़ में खरीद के जो वनांचल में रहने वाले हैं, चाहे वो तेंदुपत्ता संग्राहक हो, चाहे लघु उपज संग्राहक हो, उसके अर्थव्यवस्था कमज़ोर हमने नहीं होने दिया, तो इस कारण से छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं हुआ।
तो फिजिकल डिफिसिट जरूर हुआ है, लेकिन लोगों के मतलब मनी फ्लो बराबर चलता रहा। हमने अपने कर्मचारी अधिकारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की, हमने निर्माण कार्य में भी कमी नहीं होने दी, हमारे विधायक निधि है उसमें कोई कमी नहीं आने दी, उसकी सैलरी कोई कटौती नहीं की, और साथ ही आवश्यक जो संसाधन है जुटाने की कोशिश की। भारत सरकार हालांकि हमारे 18,000 करोड़ रुपया रोक दिया है, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था को हमने कमज़ोर नहीं होने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरपूर हैं, हालांकि उन्होंने जिक्र किया कि कई राजनीतिक और परिस्थितिजन्य बाधाएं उत्पन्न जरूर हो रही हैं, लेकिन उन्होंने एक बार फिर सबको विश्वास दिलाया है कि सरकार ने जो कहा है वो करके रहेंगे। lalluram.com के लिए मनोज सिंह।